Hello students, so today we are going to discuss the applications of dimensional analysis. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे examples देखे जिसमें हमने dimensional equations find किए, तो हम लोग देखेंगे कि ये dimensional analysis जो होता है इसका use क्या है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक चीज समझना होगा जिसको हम लोग कहते हैं principle of होमोजेनिटी. ठीक है, इसको हम समझेंगे. जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस रूट ई एफ, ऐसा कुछ भी इक्वेशन हो सकता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे LHS में कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे दो टर्म है, राइट. और आप देख सकते हो कि RHS में कितने टर्म्स हैं, RHS में यहाँ थ्री टर्म्स है. ठीक है, मतलब टोटल जो है, टोटल यहाँ कितने टर्म्स हैं, दो प्लस तीन कितने, देयर आर फाइव टर्म्स. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये कहता है कि जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है यानी जिसके डाइमेंशनल इक्वेशन सेम है, जैसे वो कहता है कि अगर ए और बी ऐड किया गया है तो डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बी. द डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, तभी हम उसको एड कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडेड. क्योंकि जब तक उनके डायमेंशनल इक्वेशन सेम है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि उनमें एक रिलेशन है, उनको हम जोड़ सकते हैं. तो मैं आपके उसके लिए एग्जाम्पल लूंगा. वैसे ही ये सी डी और ये तभी एड हो सकते हैं जब तीनों के डायमेंशनल इक्वेशन सेम हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. और आप देख सकते हो ये LHS है, ये RHS है, और बीच में ये इक्वल साइन है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए. मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये कहता है कि इसमें जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स के इंडिविजुअल जो डाइमेंशनल उसके फॉर्मूला है, डाइमेंशनल उसका जो रिलेशन है, वो जैसे ए का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 l1 t -2, तो इसका भी वही आना चाहिए, m1 l1 t -2, c का भी वही, d का भी वही, अंडर रूट ef का भी वही, क्योंकि हम सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जो डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो अब इसको यूज करके हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे. तो पहला एप्लीकेशन क्या कहता है, वो कहता है कि टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. तो एक दिया गया फिजिकल इक्वेशन सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चेक करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. तो ये रिलेशन आप लोगों ने देखा हुआ है, राइट. आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये देखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v क्या है, थोड़ा याद करो, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी. v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी. ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यू के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, और जो यू का है वो इस टर्म ए टी के डायमेंशनल इक्वेशन बराबर होना चाहिए. अगर ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन बराबर आ गए, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, तो अभी जो वी है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. मतलब मीटर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो एल रेज टू वन, और सेकेंड मतलब वो टाइम, तो टी रेज टू माइनस वन. तो यहाँ पे ये जो इनिशियल, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया, एल वन टी माइनस वन. और जो यू है, यू भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका भी वही आएगा डायमेंशनल इक्वेशन, एल वन टी माइनस वन. और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम. ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि v u के बराबर है, u a t के बराबर है, हम लोग ये कह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो v का है वो u के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना ही चाहिए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला a t के
जो ए टी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होना ही चाहिए। यानी इसमें जितने भी टर्म है, 1 2 3, ऐसे चाहे 100 टर्म हो, मतलब यहाँ 50 टर्म हो और वहाँ 50 टर्म हो, चाहे ऐसे 100 टर्म हो, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्योंकि हम सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 80 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का आपको पता है यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L1T-2, तो ये हो जाएगा L1T-2, और जो टाइम है टाइम का हो जाएगा T-1। तो आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअली L1T-1 ही आएगा, राइट? क्योंकि T-2 और T-1 दोनों का बेस सेम है, तो पार्ट ऐड हो जाएंगे, -2 + 1 इज -1, तो कुल मिला के ये हो जाएगा L1T-1। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों जो टर्म है, ये तीनों टर्म के डायमेंशनल इक्वेशन सेम आए, राइट? तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे आए, सेम आए, मतलब ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब ये इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है या नहीं वो हमें कैसे पता? तो एक डायमेंशनली करेक्ट होना और एक एक्चुअली करेक्ट होना, ये हमें समझना होगा। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट है या नहीं वो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको समझाने के लिए इसके जैसा एक और इक्वेशन लेता हूं। देखिए, तो इसके जैसा एक और इक्वेशन, मतलब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा चेंज मतलब पहले हमने ये इक्वेशन लिया था और अब हम लेंगे V = U + ½ AT। तो ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट। अब ये इक्वेशन चेक करते हैं, क्या ये भी डायमेंशनली करेक्ट है? तो आप देखोगे हाँ भाई, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये भी L1T-1, ये भी L1T-1। हाफ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, हाफ क्या है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, वो M0, L0, T0 होता है। तो फिर से AT का इक्वेशन क्या आ गया, L1T-1 ही आ गया, मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, राइट? अब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिर करेक्ट कौन सा है, विच इज द करेक्ट वन, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है, तो वो जानने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है कि ये वाला सही है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये एक्चुअली भी ये करेक्ट है, और ये इक्वेशन सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हम उसको यहां पे लिख देते हैं। हमने पहला चीज जो सीखा, क्या सीखा हमने, ये सीखा फर्स्ट कंक्लूजन कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये इक्वेशन की जगह ये वाला इक्वेशन लिया होता, ठीक है, कौन सा इक्वेशन हमने लिया होता, V = U + AT², क्या लिया होता, V = U + AT², तो अब देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे, वी का L1T-1, यू का L1T-1 और AT² के लिए हो जाएगा L1T-2 - 2, एक्सेलरेशन का हो गया, और T² का हो गया T-2, मतलब ये आएगा सिर्फ L-1। ओहो, यहां तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि सर ये तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है, ये जो तीनों टर्म है v u a t स्क्वायर, तीनों का डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं आ रहा है, जो कि सेम आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है।
ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ये। तो जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब वो हमेशा एक्चुअली भी इनकरेक्ट रहेगा, वो हमेशा एक्चुअली क्या रहेगा, इनकरेक्ट। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या आया हमारा, सेकेंड कंक्लूजन ये आया कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट मस्ट बी इनकरेक्ट, देन क्या होना चाहिए, देन इट मस्ट बी इनकरेक्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी इनकरेक्ट, राइट। आई होप आप लोग सब नोट डाउन कर रहे होंगे, आप वीडियो पॉज कर करके आप जो चीजें बताई जा रही है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में नोट डाउन करिए। हाँ, तो इसको हम समझते हैं अब। तो हमने देखा कि बहुत सारे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट होना ही है, इट हैज टू बी इनकरेक्ट, राइट। तो ये पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, वो करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन दोनों एक्चुअली करेक्ट है क्या, दोनों एक्चुअली करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है ये वाला इनकरेक्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है दोनों, बट दे मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, बट वो एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाला पे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जैसे ये इक्वेशन लिया हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है दैट इक्वेशन हैज टू बी इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट होगा ही होगा। तो इसका हम इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप ये क्वेश्चन देखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, राइट, यू पॉज द वीडियो एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ओके। तो देखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये इक्वेशन आपने पहले देखा हुआ है, राइट। वी का मतलब क्या है, वी का मतलब आपको पता है, इट्स फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट, फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब आपको पता है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब एक्सेलरेशन, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आपको पता करना है, तो लेट अस स्टार्ट। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1T^-1, क्या होता है, L1T^-1। तो यहां पे v का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा L^2 T^-2, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे L^2 T^-2, ठीक है। वैसे u, u भी वेलोसिटी है, और u का स्क्वायर मतलब फिर से आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितने टर्म है, तीन टर्म है, और तीनों टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, तब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपको यहां भी मिलेगा L^2 T^-2, दिस ऑल्सो शुड बी इक्वल टू, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप देखो कि जो टू है, टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, वो एक नंबर है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब बच गया ए, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है उसका होता है m/s², मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम, तो m/s², ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में होता है उसका यूनिट, तो L^1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या देगा आपको, L^2 T^-2। ये एक्सेलरेशन का है, ये डिस्प्लेसमेंट का, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये L^2 क्या हो जाएगा, L^2 हो जाएगा, L^2 T^-2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों जो टर्म है, तीनों टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया, सेम आया, तीनों टर्म का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो सेम आया, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है।
हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, पर ये इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है या नहीं ये हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं ये कहने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जो इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो इनकरेक्ट ही है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स अब आपके लिए है एक और सवाल, राइट? तो ये सवाल आपके सामने है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें फिर से क्या करना है, यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक यू नो द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आप यहां पे वीडियो पॉज करिए और ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। तो एस का मतलब क्या है आपको पता है, आपने ये इक्वेशन पहले देखा हुआ है, राइट? तो एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यू क्या है? यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है? टाइम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहां पे ये तीन टर्म है, एस है, यू टी है और हाफ ए टी स्क्वायर है। तीन टर्म, तीनों टर्म के क्या सेम होने चाहिए? तीनों टर्म के डाइमेंशनल इक्वेशन सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तभी ये इक्वेशन डाइमेंशनली क्या होगा? तभी ये इक्वेशन डाइमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट। तो आप क्या लिखोगे इसको? एल रेस टू वन लिखोगे। तो आपने लिख दिया एल रेस टू वन, हो गया। अब बात करते हैं यूटी के बारे में। तो हमको पता है कि यू और टी इसका डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यू का मतलब वेलोसिटी, ठीक है? तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए हो जाएगा फिर से टी रेस टू वन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपको मिलेगा एल रेस टू वन। अब हम लोग आते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म क्या है, ध्यान से देखो। थर्ड टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप ले लो हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हाफ क्या है, मैंने बहुत बार बताया आपको क्या है, वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। इट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल कांस्टेंट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी हाफ के लिए आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना है तो आप लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। ए मतलब एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टी रेज टू माइनस टू। ये हो गया एक्सेलरेशन का। और टाइम है टी स्क्वायर, तो फिर से टी रेज टू टू। ये दोनों कैंसिल होंगे फिर आपको एल रेज टू वन मिलेगा। तो आपने देखा ध्यान से कि तीनों टर्म के डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तीनों टर्म के डायमेंशनल इक्वेशन सेम आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, बोलिए इसका क्या मतलब है? मैं सुन रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन चेक। बट ये इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है या नहीं ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं ये जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम एक थोड़ा टफ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? तो आप बने रहिए, देखते रहिए ध्यान से। तो अभी ये है अगला एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो पी है, ये पी है प्रेशर, ये पी क्या है? प्रेशर। ये वी क्या है? ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी वॉल्यूम है, ठीक है? तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये है वॉल्यूम, ठीक है? वैसे ये वी भी वॉल्यूम ही है, राइट? और ये जो आर है इसको हम लोग गैस कांस्टेंट कहते हैं, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये टी जो है, ये टी है टेम्परेचर, ठीक है? ओके, ये सब दिया गया है। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि बताओ ए और बी, हाँ ए और बी, ए और बी यहाँ पे जो है, हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, ये सवाल है, सवाल ये। तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है? ट्राई टू यू नो जो भी आपके मन में आए, जो भी मैंने बताया उसके बेसिस पे आप ट्राई करो, ठीक है? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, तो इस सवाल में
आप देख सकते हो कि यहां पे एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब बेसिकली कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? आप बोलोगे सर बेसिकली मुझे दो ही टर्म दिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, राइट? ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है? तो लेकिन जो ये पहला टर्म है, वो पहले टर्म ध्यान से देखो, पहला टर्म क्या है? पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है, ये पहला टर्म। तो मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर दो टर्म एडेड है तो इस ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म एडेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो टर्म ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उन दो टर्म के डाइमेंशनल इक्वेशन सेम होने चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये दोनों एडेड है, इस सवाल में हमें दिख रहा है कि ये दोनों एडेड है, इसको ऐड किया गया है, प्रेशर को ए बाई वी स्क्वायर से ऐड किया गया है। तो ऐड अगर किया गया है तो वो तभी किया जा सकता है जब पी का डाइमेंशनल फॉर्मूला ए बाई वी स्क्वायर के डाइमेंशनल फॉर्मूला के बराबर हो। जब पी का डाइमेंशनल फॉर्मूला ए बाई वी स्क्वायर के डाइमेंशनल फॉर्मूले के बराबर हो तभी उनको ऐड कर सकते हैं। तो बस हो गया, दैट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट नाउ। तो पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने आपसे कहा था कि याद कर लो, वैसे नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया एम रेज टू वन, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और एरिया का हो गया एल रेज टू टू, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा एम रेज टू वन, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल रेज टू माइनस वन टी रेज टू माइनस टू, ये हमें मिल गया प्रेशर का, ठीक है? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो ये प्रेशर का है, यहाँ पे प्रेशर की जगह पे हम लिख देंगे इसका, ये एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर का। और ये ए बाई वी स्क्वायर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है? तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब होगा अगर, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल क्यूब, कितना हो जाएगा? एल क्यूब। लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो वो हो जाएगा एल रेज टू सिक्स, यानी हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये होगा एल रेज टू सिक्स। तो इसको भी हटा के हम डाल देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर हमें क्या चाहिए था, ए का, और नीचे वॉल्यूम स्क्वायर यानी एल रेज टू सिक्स। तो यहां से हमें ए का डायमेंशन मिल जाएगा, बस हमें इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा एम रेज टू वन एल रेज टू माइनस वन और सिक्स, तो माइनस वन और सिक्स ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा प्लस फाइव, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस फाइव और ये होगा टी रेज टू माइनस टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे फाइंड किया ए का। तो वेरी सिंपल, राइट? हमें ये नहीं करना था कि हमें इसका इक्वेशन इसका और इसका बराबर करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये जो टर्म है, इस टर्म में दो टर्म एडेड है। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ दो टर्म एडेड है, एक प्रेशर एडेड है और एक ए बाई वी स्क्वायर है कि नहीं है? तो प्रेशर है और ए बाई वी स्क्वायर, ये दो टर्म एडेड है। ये दो टर्म तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों के डाइमेंशनल इक्वेशन सेम हो, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अदरवाइज वो नहीं हो सकता, राइट? अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो इसका हमने फाइंड आउट किया प्रेशर का, ये रहा ए बाई वी स्क्वायर का, ए का अननोन है हमने लिख दिया ए, वी का हमने यहाँ फाइंड किया मीटर क्यूब से, ये एल रेज टू सिक्स आएगा वो डाल दिया, यहाँ से हमें ए का मिल गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब हम लोग आते हैं वी माइनस बी पे। आई एम श्योर कि आप वी माइनस बी खुद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो जो वी माइनस बी वाला टर्म है, तो ये वी माइनस बी में यहाँ पे दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक है वी एक है बी, एक है वी एक है बी, तो वी और बी क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दो टर्म तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब, बोलो बोलो, जब ये वॉल्यूम वी और ये बी दोनों के डाइमेंशनल फॉर्मूले क्या हो जाए? वो सेम हो जाए, तभी वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो सिंपल है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? तो यहां पे वी जो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन मीटर क्यूब के हिसाब से कितना आएगा? वो आएगा एल क्यूब, और दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल इक्वेशन किसका? बी का। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है?
तो सेकेंड एप्लीकेशन इसका ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड एज अ रिसर्च टूल टू फाइंड आउट न्यू रिलेशंस. ठीक है, जो नए फिजिकल इक्वेशंस है, नए फिजिकल रिलेशंस है, उनको फाइंड करने में डायमेंशनल एनालिसिस हमारी मदद करता है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेते हैं पहला एग्जांपल. तो पहला एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल मतलब जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऐसा दिया क्वेश्चन में, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको पता है, आपने सिंपल पेंडुलम नाम सुना है, राइट? ऐसा एक स्ट्रिंग होता है, यहां पे एक बॉब होता है, और ये इस तरह से ये क्या करता है, ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है. ठीक है, तो आपको ये लेंथ और ये मास बॉब का, ठीक है, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. अब आपसे बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, राइट, यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. ओके, यहां पे हम मास भी ऐड कर सकते हैं, राइट, वी कैन ऐड ऑल्सो मास ऑफ बॉब. ठीक है, तो हमें देखना है कि यहां पे जो चार क्वांटिटी दी है, टाइम पीरियड, लेंथ, मास और जी, इसका रिलेशन हमें निकालना है. अप्रॉक्सिमेट रिलेशन वील फाइंड आउट. ठीक है, तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो ये कैसे करेंगे, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूं. कंसेप्ट ऐसा है, आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा. ठीक है, तो देखो कंसेप्ट ऐसा है कि यहां पे इक्वेशन का जो LHS है, राइट, LHS वो है टाइम पीरियड. LHS क्या है? टाइम पीरियड. क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो LHS में क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड, एंड डिपेंड्स ऑन, जिस पे डिपेंड कर रहे हैं वो क्वांटिटीज कहाँ होंगे, वो क्वांटिटीज होंगे RHS में. ठीक है, तो RHS में जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, वो है लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज है. तो ये टाइम पीरियड ये तीन क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे. जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इसको ले लेंगे एक्स, इसको ले लेंगे वाई, इसको ले लेंगे जेड. ठीक है, तो हमें ये एक्स वाई और जेड हमें फाइंड आउट करना है. तो ये टाइम पीरियड क्वेश्चन में क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये नहीं दिया है कि वो उस पर किस तरह डिपेंड करते हैं, मतलब एल का स्क्वायर है, एल का क्यूब है, क्या है, ये पता नहीं. ठीक है, ये सब पता नहीं, तो ये हमें पता करना है. तो ये पता करने के लिए हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करेंगे. तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कैसे होगा. तो सबसे पहले जो टी है, टाइम पीरियड, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एम जीरो एल जीरो टी रेज टू वन. इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टी मतलब टाइम पीरियड है, वो मास और लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे करेगा. ठीक है, और वैसे ही ये L है लेंथ, तो लेंथ का होगा L रेज टू वन, और ऊपर हमने ये अननोन लिए x y z, हमें x y और z ये फाइंड करना है. ठीक है, ये हमने खुद से एज्यूम किया है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि ये जो t है इट डिपेंड्स ऑन, इट इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू x, m रेज टू y एंड g रेज टू z, ऐसा हमने एज्यूम किया है, और हम x y z फाइंड करने वाले हैं. ठीक है, तो जब यहां से ये प्रोपोर्शनल हटाओ गया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के. ठीक है, तो ये के हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि के जो है वो एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से जो कांस्टेंट मिलता है वो है. तो के इज अ कांस्टेंट, ये अननोन रहेगा, ये अननोन है, अभी अननोन रहेगा, और इसको सिर्फ फाइंड कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एल रेज टू वन रेज टू एक्स. ठीक है, मास का क्या होगा, मास का होगा एम रेज टू वन रेज टू वाई.
जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए होता है एल रेस टू वन, सेकेंड के लिए टाइम टी रेस टू माइनस टू। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा हो गया रेस टू जेड, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये जेड है, ठीक है, ओके। तो आपको इस तरह का एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप ऐसा कर सकते हो, वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा एल रेस टू एक्स, वन इंटू वाई क्या हो जाएगा एम रेस टू वाई, और ये क्या हो जाएगा वन इंटू जेड हो जाएगा एल रेस टू जेड, और माइनस टू इंटू जेड क्या हो जाएगा माइनस टू जेड, इस तरह का हो जाएगा, राइट, आपको मिल जाएगा। अभी ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन, करेक्ट, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये, सॉरी ये टाइम है टी है, इसमें आप देख सकते हो कि एल के दो टर्म मिले आपको, एल रेस टू एक्स और एल रेस टू जेड, तो आप उसको ऐड कर लो, तो वो हो जाएगा एल रेस टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। एम का कोई टर्म नहीं है, एम का एक ही टर्म है एम रेस टू वाई, और टी के भी एक ही टर्म है माइनस टू जेड, ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास एल एच एस में भी एक मास है, एक लेंथ है, एक टाइम है, सही है, और हमारे पास आर एच एस में भी एक लेंथ है, एक मास है, एक टाइम है, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू है। अब एल एच एस में और आर एच एस में अगर इक्वल टू है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि m का पावर जो इधर है, m का पावर वो भी उधर वही होना चाहिए, मतलब तुम्हें y का वैल्यू मिल गया। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, आप बोलोगे कंपेयरिंग एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है, तो हम वो यहां लिख देते हैं, मतलब हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कंपेयर दी एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, m का पावर यहां कितना है जीरो, पावर मतलब डायमेंशन, और यहां m का डायमेंशन कितना है y, पावर मतलब डायमेंशन, तो ये जीरो और y सेम होना चाहिए, मतलब आप स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो पावर है वो सेम होने चाहिए, राइट, एक साइड अपने पास m जीरो है, l जीरो है, t रेस टू वन है, और दूसरे साइड अपने पास है m रेस टू y, l रेस टू x प्लस y और t रेस टू माइनस टू z, ठीक है, ये टर्म्स आए, तो एल एच एस और आर एच एस, राइट, तो यहाँ पे m रेस टू जीरो है, यहाँ पे m रेस टू y है, ठीक है, ये दो टर्म्स है हमारे पास, तो इस दोनों टर्म में, राइट, बीच में इक्वल टू है, बराबर होना चाहिए, तो यहां अगर हम m रेस टू जीरो और m रेस टू y को कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू जीरो आना चाहिए, राइट, और जो l है ये l रेस टू जीरो है और ये l रेस टू x प्लस y है, तो हमें क्या कह सकते हैं कि l रेस टू जीरो, l का जो पावर है और ये x प्लस y जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस y शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी x शुड बी इक्वल टू माइनस z, ठीक है, x शुड बी इक्वल टू माइनस z, और ये जो आप देख रहे हो t रेस टू वन और t रेस टू माइनस टू जेड, तो आप क्या बोल सकते हो कि माइनस टू जेड शुड बी इक्वल टू वन एंड जेड कितना आएगा माइनस हाफ, तो आपको जेड का वैल्यू कितना मिला, कितना मिला जेड का वैल्यू माइनस हाफ, तो अगर जेड का वैल्यू माइनस हाफ है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ माइनस हाफ यानी प्लस हाफ, ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज मिल गए, राइट, हमें एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज मिल गए। अब हमने जो इक्वेशन लिखा था स्टार्टिंग में, वो इक्वेशन क्या लिखा था, हमने लिखा था इक्वेशन कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू एल रेस टू एक्स एम रेस टू वाई और जेड और जी रेस टू जेड, ऐसा हमने इक्वेशन लिखा था, राइट। अभी यहां पे जो एल का एक्स का वैल्यू आया हुआ है प्लस हाफ, वाई का वैल्यू जीरो और जेड का वैल्यू माइनस हाफ, मतलब ये मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट, ये जो टाइम पीरियड है इसका, ये मास किसका है, ये उस बॉब का मास है, राइट, उस बॉब का मास है, उस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट, लेंथ रेस टू हाफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेस टू माइनस हाफ, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एल रेस टू हाफ और इसको आप नीचे ले लो तो ये हो जाएगा जी रेस टू हाफ, क्योंकि जब आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो इसका जो पावर है उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ से प्लस हाफ हो जाएगा, अब ये हो जाएगा के और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एल, राइट, जैसे अंडर रूट फाइव है इसका मतलब होता है फाइव रेस टू हाफ, अंडर रूट फाइव मतलब फाइव रेस टू हाफ, तो फाइव रेस टू हाफ का मतलब अंडर रूट फाइव, तो वैसे एल रेस टू हाफ का मतलब अंडर रूट एल, और ये नीचे हो जाएगा अंडर रूट जी, अब आप दोनों को एक साथ ले लो, ये हो जाएगा के अंडर रूट एल बाई जी, क्या हो जाएगा ये के अंडर रूट एल बाई जी,
अब आप देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों ने जो इक्वेशन है राइट, वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है ये हमने सिर्फ डाइमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर लिया, विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, फिर भी हमें ये मालूम पड़ गया कि ये टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है राइट, जस्ट बाय यूजिंग डाइमेंशनल फॉर्मूला, जस्ट बाय यूजिंग डाइमेंशनल एनालिसिस, एंड दैट्स ग्रेट, यस और नो, दैट्स फैंटास्टिक राइट। लेकिन ये जो के है, ये के हम डाइमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये के क्या है, ये के एक कांस्टेंट है जो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मिलेगा राइट। इस के लिए हम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस के का वैल्यू निकल के आता है 2 पाई, यानी इक्वेशन आता है 2 पाई अंडर रूट L बाय Z, 2 पाई अंडर रूट L बाय Z, तो ये 2 पाई वो कांस्टेंट है राइट। लेकिन वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड करते, लेकिन फिर भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि टाइम पीरियड लेंथ पे और जी पे कैसे डिपेंडेंट है राइट, एंड दैट्स वेरी ग्रेट। तो ये है इसका सेकेंड एप्लीकेशन राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो ये हमसे बोला गया था कि फाइंड दिस यू नो द फॉर्मूला, फाइंड दिस रिलेशन, न्यू फिजिकल रिलेशन किसका, टाइम पीरियड लेंथ जी का मास का, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया सिवाय के, ठीक है, एंड दैट्स वेरी गुड। सो दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस राइट, तो वील हैव टू टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस। बट आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर आया होगा, सवाल ये आया होगा कि सर आपने ऐसा क्यों एज्यूम किया कि टी इज इक्वल टू यू नो प्रोपोर्शनल टू, आपने ले लिया एल रेस टू एक्स और क्या था मास एम रेस टू वाई और जी रेस टू जेड, सर आपने ऐसा क्यों एज्यूम किया राइट, आपने ऐसा क्यों नहीं एज्यूम किया कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू यू नो एल रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू वाई माइनस जी रेस टू जेड, ऐसा क्यों नहीं किया, आपने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले क्यों किए, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का कि हम लोग ये प्लस और माइनस वाले फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यू नो टू फाइंड द न्यू रिलेशन वाले में, वो सब में वैसे ही सवाल आएंगे जिसमें ये टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे, ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन मतलब ये हो गया जैसे कि हमारा लिमिटेशन है कि हमारे पास पंख नहीं है राइट, तो हम ऐसे छत से कूद के यू नो ऐसे हाथ हिला के उड़ नहीं सकते, वो हमारा लिमिटेशन है, तो कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। तो वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग ऐसे रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते, मतलब अगर अगर हम चाहेंगे कि हम ये रिलेशन फाइंड कर ले वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये हम नहीं फाइंड कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो जहां पे टर्म्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड है वहां पे हम ये नहीं यूज कर सकते, लेकिन जहां पे टर्म्स मल्टीप्लाइड है डिवाइडेड है वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो लिमिटेशन मैंने बताया आपको, पहला लिमिटेशन ये था कि वो जो कांस्टेंट के है वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, दैट कांस्टेंट के वी कैन नॉट फाइंड आउट। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि अगर ये टर्म्स एडेड या सब्ट्रैक्टेड है स्टिल वी कैन नॉट फाइंड आउट, इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड और इट हैज टू बी डिविजन, डिवाइडेड होना चाहिए तभी कर सकता है। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है अगला सवाल, ठीक है, तो आपको दिया है फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कोई तो एक फोर्स है, ठीक है, आपको उसका लोड नहीं लेना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपको दिया है विच डिपेंड्स अपॉन, तो यहां से सवाल शुरू हो गया, ठीक है, तो आपको दिया है कि कोई फोर्स है विच डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, तो विच डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, तो आपसे पूछा है कि एक्सप्रेस दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। तो स्टेप नंबर वन क्या होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि वो मास पे कैसे डिपेंडेंट है, तो एम रेस टू एक्स, मास पे कैसे डिपेंडेंट है तो एम रेस टू एक्स, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। वी पे कैसे डिपेंडेंट है तो वी रेस टू वाई, ठीक है, और आर पे कैसे डिपेंडेंट है तो आर रेस टू जेड, ठीक है, तो ये हम एज्यूम कर लेंगे राइट। ये स्टेप नंबर वन है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि हम लोग एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे और हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एजम्पशन एंड देन वी विल फाइंड आउट, ठीक है। तो आपको याद है एक सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो आप एज्यूम कर लोगे ठीक है तो एम रेस टू एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कैसे डिपेंडेंट है, वी रेस टू वाई और आर रेस टू जेड, इस तरह से। और आप कह दोगे ठीक है सर, तो इसको मैं हटाता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ। ये कॉन्स्टेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए के एम रेस टू एक्स, वी रेस टू वाई और आर रेस टू जेड। अब हमें यहाँ पे डाइमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करना है, तो डाइमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करके हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। आप यहाँ पे यू नो इस वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, राइट मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो LHS है, राइट, LHS में फोर्स है। LHS में क्या है? फोर्स। मैंने आपको बोला था कि कोई भी फोर्स हो, कोई भी तरह का फोर्स हो, वो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा वो आएगा एम वन एल वन टी रेज टू माइनस टू, राइट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है कॉन्स्टेंट, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये मास है, राइट, मास के लिए आप लिखोगे एम रेज टू वन, लेकिन ये एक्स वी तो आपने अज्यूम किया है तो वो भी लिखोगे। वी क्या है? वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने रेस टू वाई भी तो एज्यूम किया है तो अब क्या लिखोगे? रेस टू वाई। और आर मतलब है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, मतलब एल रेस टू वन, तो आप लिखोगे एल रेस टू वन, लेकिन आपने जेड भी तो एज्यूम किया है तो आप लिखोगे रेस टू जेड, राइट। आई होप आपको समझ में होगा। तो ये एल एच एस और ये आर एच एस, ठीक है। अब आप यहां पे इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा के एम रेस टू एक्स, ये हो जाएगा एल रेस टू वाई, टी रेस टू माइनस वाई, और ये हो जाएगा एल रेस टू जेड, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप देखो एल के दो टर्म है, एल के कितने टर्म है अपने पास? दो टर्म है। तो ये हो जाएगा के एम रेस टू एक्स, एल रेस टू वाई प्लस जेड और टी रेस टू माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एल एच एस और आर एच एस कंपेयर करने हैं, हमें एल एच एस और आर एच एस कंपेयर करने हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये एम रेस टू वन और ये एम रेस टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन, राइट। अगर एम इक्वल टू वन और एम इक्वल टू एक्स ये बराबर होना है तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। फिर ये क्या है? एल रेस टू वन और एल रेस टू वाई प्लस जेड, अगर इसको सेम होना है तो फिर वाई प्लस जेड जो है वो वन होना चाहिए, ठीक है। और टी रेस टू माइनस टू है इधर और इधर टी रेस टू और स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यहां से माइनस टू, टी का पावर जो है माइनस टू और टी का पावर माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहां से हम लोग को वाई कितना मिल जाएगा? टू मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई टू मिल गया, एक्स वन मिल गया, ओके। अब ये y प्लस जेड जो है इसमें हम लोग डाल देंगे y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा y की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2, और ये है z, सो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो इट्स माइनस 1, ठीक है। तो हमको सब तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं x y z के वैल्यूज, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या था कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एम वी एंड आर, ऐसा था। तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एम रेज टू एक्स का वैल्यू कितना है? वन, ठीक है, वन इज द वैल्यू, सो वी विल पुट वन। वी वाई का वैल्यू कितना है? वाई आया है टू, ठीक है, तो उसको हम लोग डाल देंगे टू। और आर का वैल्यू, आर के ऊपर जो जेड है, जेड का वैल्यू कितना है? माइनस वन, तो उसको डाल देंगे माइनस वन। तो इसको हम ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा के एम वी स्क्वेयर और ये आर नीचे आ गए, तो ये आ गया वो फॉर्मूला, ठीक है, ओके। और इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो हम लोग कब पढ़ने वाले? वो लोग पढ़ने वाले सेवन चैप्टर, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वहां पे वो फॉर्मूला आता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू वन निकल के आता है, जो एक्सपेरिमेंटली आता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये एग्जैक्टली फाइंड कर लिया एम वी स्क्वायर बाई आर सिर्फ डाइमेंशनल एनालिसिस से, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट।
सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हमें ये फॉर्मूला मालूम पड़ गया बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. ठीक है, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल.